कोटा गांव में है और जो हाईवे है 152 यहाँ पे एक बढ़िया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जिसका नाम है वाइट रोज। तो मेरे साथ संजू राणा है जी, पहले तो स्वागत है और आपको शुभकामनाएं पहले रोड। आपका भी स्वागत जी। जो आपका न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे यहां पर बता रहे हैं और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। जी बिल्कुल। वाइट रोज एक यूनिक सा नाम है, मतलब कैसे सोचा कि यही नाम रखा है? वाइट रोज अलग अलग स्टार्टिंग से मेरी जो रुचि रही है, मतलब वाइट थीम पे है। अच्छा। वाइट थीम के हिसाब से मैंने वाइट रोज। अच्छा। मतलब वाइट रोज के उसी हिसाब से उनका नाम, उसी का नाम रखा है। तो क्या कुछ सुविधाएं कैथलवासियों को या फिर आसपास, क्योंकि हाईवे पे अटैच है तो क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी? जो मेरी स्टार्टिंग आज से लगभग 5-6 साल पहले से मैं इस लाइन में आया हूँ, तो स्टार्टिंग मैंने थोड़े से काम से शुरू किया है। उसके बाद तो ये सोच रहा कि अपना थोड़ा सा ये जो बिजनेस ऊपर उठा के चलूँ और लोगों को अलग से फैसिलिटी दूँ। आप मेरे रेस्टोरेंट में देखो, जो मेरे पास रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है, शुभारंभ किया जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, तो स्विमिंग पूल के अलावा और क्या क्या सुविधा मेरे पास? रूम है, पार्टी हॉल है। ओके। आप कैथल के किसी भी रिजोर्ट में जाओगे आपको ये थीम एक रिजोर्ट में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। मतलब जैसे लोग सोचते हैं कि मैं आउटसाइड जाके पार्टी करूँ, तो उसमें आपको जो मैंने थीम दी है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको पूरा किया। जी बिल्कुल, क्योंकि एक शानदार लग भी रहा है, आप देख भी रहे हैं कि बहुत ही शानदार गजब तरीके से ये है कि एक मन लगा के बनाया चीज़ है, तो वो ये राणा जी लग रही है अभी वाकई ही पैसा लगा हुआ है। मैं पूरे अपने कैथल निवासियों से और आपके जितने भी न्यूज चैनल पे आपके जो फ्रेंड है, जो भी आप कैथल में, सबको मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलता हूँ कि आप यहाँ पर पधारे और हमारे। जी बिल्कुल है। अगर पार्किंग की, क्योंकि पार्किंग की सुविधा सबसे ज़्यादा, आप पार्किंग देख सकते हो जी सामने रेस्टोरेंट के लिए मेरे पास अलग पार्किंग है। तो भाई जो स्विमिंग पूल का एरिया है ओपन है बिल्कुल और बहुत ही शानदार, मतलब कैथल जैसे शहर में बहुत ही शानदार होटल ये ओपन हुआ है जी। कितने एरिया कितना है टोटल इसका? मैंने इसको करीब 2 एकड़ में कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा। आप मेरे होटल में जैसे एंट्री करोगे आपको रेस्टोरेंट के लिए अलग से पार्किंग मिलेगी, स्विमिंग पूल के लिए अलग से और रूम्स के लिए अलग से। ओके, तो दोनों मतलब का अलग अलग। जी जी जी। रेस्टोरेंट का रिसेप्शन अलग है, रूम्स का अलग है। मतलब हर एक पार्ट सोच समझ के बनाया हुआ है। तो रूम ये मैं आपको दिखा दूँ, जैसे स्विमिंग पूल हो गया और इसके लगते ही रूम्स हैं, तो बहुत ही लग्जरी नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सच में ये ऐसा लग रहा है जैसे जो फीलिंग देखें तो 5 स्टार से कम यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही। तो एक जरूरत थी शहर को भी एक बड़ा शानदार एक रेस्टोरेंट की, और ये राणा जी ने बहुत ही प्यारा ये लग्जरी रेस्टोरेंट बनाया भी है। तो आप देखो कि आज बहुत ही अलग ही शानदार यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है। राणा जी अगर बात करें जैसे आसपास का भाई एरिया है ना, तो ये सोचता कि भाई नेपाल ले आवा 2-4 और काम चल जाएगा, तो कहाँ से सारी मैनेजमेंट? सर बात नेपाल की या उत्तराखंड या हरियाणा की नहीं है। हाँ। बात अपना टेस्ट की है। हाँ। मैंने लगभग पिछले 3 महीने से मैं अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ फ्री में। ओके। और सैलरी किस लिए दे रहा हूँ? मैं इनका प्रॉपर ट्रायल ले रहा हूँ, मतलब इनका टेस्ट कैसा है। अगर मेरे को टेस्ट अच्छा लगा तभी दूसरों को लगेगा ना। आप नेपाली रख लो, हरियाणवी रख लो, उत्तराखंडी रख लो या गढ़वाली रख लो, इसमें कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैनेजमेंट सारी मतलब अलग से बहुत जबरदस्त तरीके से, और एक बड़ी बात है भाई 3 महीने से सैलरी दे रहे हैं। लगभग कितना स्टाफ होगा? लगभग 6.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी। ओके, तो ये 3 महीने से लगभग 18 लाख के आसपास। तो टेस्ट चेक, तो भाई काफ़ी एरिया में ये पार्टी हॉल है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो इसकी डेकोरेशन है बहुत अच्छे तरीके से करी हुई है, और देखो यहाँ पे काफ़ी एरिया में आप कैथल शहर में देखोगे तो इतना खुला एरिया में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कैथल, क्या मैं एड्रेस बता दूँ, आप हाईवे से निकलोगे कलायत से पहले बाता गांव आता है और इसके पास ही ये रेस्टोरेंट है वाइट रोज रिजोर्ट। आप यहाँ पे आइए और जो भी न्यूज़ चैनल का या फिर मीडिया ये कहेगा कि हमने न्यूज़ देखी थी, तो उस पर डिस्काउंट भी राणा जी कुछ ना कुछ जरूर देंगे। मान हमारा आपके भी जितने भी आप मेरे को कस्टमर दोगे मैं उनको एक फ्री में मेंबरशिप कार्ड दूंगा। जी जी। उसमें 10% या 15% उनका ऑलरेडी डिस्काउंट रहेगा। जी जी। तो अब जैसे पार्टी हॉल या फिर आगे मैरिज वगैरह होंगी तो उसके लिए कैसे बुकिंग करें, क्या कुछ बुकिंग का अभी डिसाइड नहीं किया है। एक्चुअली अभी नई ओपनिंग हुई है। अच्छा। तो बुकिंग का कल बैठ के डिसाइड करेंगे, जैसे होगा मैं आपको बताऊँगा।
जी जी, तो बिल्कुल, तो आपने देखा भाई पूरा रेस्टोरेंट है, और बाकी जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था है वो बहुत ही खुले में है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी गाड़ी की पार्किंग करने की में दिक्कत आएगी, और साथ ही साथ आप स्विमिंग पूल पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। वाइट रोज रिजोर्ट में आए हो, क्या कुछ कहोगे, क्योंकि आज शुभारम्भ है? आज वाइट रोज रिसोर्ट का शुभारम्भ है। मैंने बहुत सारे रिसोर्ट देखे हैं, इसकी अलग ही बात है। इसके अंदर जो पार्टी वेयर कंसेप्ट है, जो फैमिली वेयर कंसेप्ट है, और स्विमिंग पूल का जो कंसेप्ट है, वो सारे अलग अलग हैं। और जिस तरह से इसकी एंट्री है और पार्किंग की जो व्यवस्था है, बड़ी सुव्यवस्थित है, बड़ा ही सुंदर, एक अच्छे तरीके से फैमिली वेयर प्रोग्राम है, एक अच्छा कंसेप्ट तैयार किया है। और मैं इस रिसोर्ट के मालिकों को बधाई देता हूँ कि इस रोड पर ऐसा पहले कोई ऐसा कोई रिसोर्ट नहीं था कि लोग चंडीगढ़ से आके हिसार तक कहीं रुके, तो ये सबसे बढ़िया जगह रुकने की है। और यहाँ एक बहुत बढ़िया सुंदर जो है स्विमिंग पूल का कंसेप्ट है, जिसमें बच्चे और परिवार के लोग किसी भी तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छे लग्जरी रूम बने हुए हैं। और खाने का जो विशेष जो यहाँ टेस्ट है, उसका जवाब अलग ही है। स्नैक्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है, टॉप का 5 स्टार जैसी जो है क्वालिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। जी, आप क्या कुछ कहेंगे? पहले तो सबसे पहले वाइट रोज़ रिसोर्ट के मालिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात, अम्बाला से चलकर मेरे ख्याल से हिसार तक कोई भी ऐसा सुंदर और अच्छा फैमिली रिसोर्ट नहीं है। छोटे छोटे तो बहुत बने हुए हैं, पर जो फैमिली रिसोर्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ वाइट रोज़ रिसोर्ट वाले लेके आए हैं। और हर सबसे बड़ी बात, यहाँ 3-4 पोर्शन में ये रिसोर्ट बनाया गया है। 100-150 लोगों के पार्टी हो, अलग से पोर्शन है, 500 लोगों का अलग से पोर्शन है, और पीछे लग्जरी रूम वगैरह हैं, वो भी बहुत सुंदर बने हुए हैं। यहाँ जो स्विमिंग पूल का जो सिस्टम, जो हमें अभी तक मालिकों ने बताया है, जानकारी दी है, तो सब फिल्टर वगैरह का, बहुत स्विमिंग पूल का अरेंजमेंट, फ़िल्टर्स वगैरह बहुत अच्छे लगाए गए हैं, जिससे पानी के गंदा होने की और कोई भी पानी से जो भी कोई बीमारी वगैरह की कोई डर नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बनाया है, उनको हम दोबारा मुबारक देते हैं, वाइट रोज रिसोर्ट वालों को। और जो खाने वगैरह का भी जो सिस्टम है यहाँ पर, बहुत ही टेस्टी है, प्रेपरेशन बहुत ही बढ़िया है, जो वेल एजुकेटेड जो इन्होंने स्टाफ रखा हुआ है वो भी वेल एजुकेटेड है। हम इसके लिए कैथल का भी मेरे ख्याल से वाइट रिसोर्ट रोज रिसोर्ट बहुत ही अच्छा नाम करेगा, जिससे कैथल का भी नाम होगा। वाइट थीम पर बना है वाइट रोज रिजोर्ट, और अम्बाला से कैथल और कैथल से आप राजस्थान चले जाओ, मेरे ख्याल से ऐसा रिजोर्ट नहीं है कहीं भी। आप देख सकते हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, पार्टी हॉल हो, स्विमिंग पूल हो, रूम हो, हर व्यवस्था बड़े तरीके से बनाई गई है, ठीक है ना। सब खुला ढुला है, आप फैमिली फंक्शन कर सकते हो, कोई शादी है, पार्टी, हर व्यवस्था यहाँ पर है। और दूसरी बात ये है, आपका जो भी चंडीगढ़ से आप हिसार जा रहे हो, हिसार से चंडीगढ़, कोई भी आके यहाँ एक बार रुकेगा तो दूसरी जगह उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो इन्होंने कैटरिंग दी है, वो सारी टीम बाहर से है, और ऐसी टीम नहीं है यहाँ पे आसपास। जो हमने खाना अभी तक टेस्ट किया है वो अलग ही है। तो ऐसी व्यवस्था अपने कैथल जैसे छोटे शहर में मिलना, आप बड़े शहर चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ मिलेगी, यहाँ पहली बार, तो ये कैथल के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा ये बिल्कुल बत्ता के पास पड़ेगा, और ऐसी चीज़ मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो यही है भाई, बिल्कुल। और एक भाई नई चीज़ ये पता लगी है कि जो पानी है ना, इसको भी बढ़िया तरीके से फिल्टर किया जाता है, कि ताकि कोई बीमारी वगैरह ना फैले, तो ये भी एक बड़ी चीज़, बहुत ही टेक्निकल और एक सोच समझ के ये जो रिजोर्ट है बनाया हुआ है, तो बहुत ही लग्जरी रिजोर्ट है। और दर्शकों से भी जैसे बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि 5 स्टार जैसी फीलिंग आ रही है। देखिए, आप जो रूम देख रहे हो, और रूम का आप पर्दा हटाओगे तो आपको स्विमिंग पूल दिखेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन मैं कहूँगा कि यहाँ पे वाइट रोज जो रिजोर्ट है इसकी है। और ये बात भी सही कह रहे हैं कि अगर आप चंडीगढ़ से राजस्थान साइड भी जाओगे, या फिर राजस्थान से चंडीगढ़ साइड जाओगे, तो ऐसा रिजोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो एक बढ़िया ज़बरदस्त ये आप रिजोर्ट देख पा रहे हैं, और मैं संजू राणा को शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ आती है तो एक नाम भी बोलता है, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बोलता है भाई, कैथल के पास कोई अच्छा रिजोर्ट है, तो एक बहुत ही शानदार रिजोर्ट। और जो खाने का टेस्ट है वो भी लोग जो कह रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बाकी हम भी टेस्ट करके आपको ज़रूर बताएँगे।